मुझे तुझे एक खबर देने की थी। सुनना मेरी बात। हाँ 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 अरे वो सुनना, ऐसे क्या करती है? हाँ मुझे मालूम मेरे। हाँ वो शीला है ना, शीला उसका पति बहुत लफड़ेबाज चमड़ीबाज है। हाँ तुझे मालूम है। अरे और एक खबर सुनना, वो नीचे वाली, हाँ ग्राउंड फ्लोर वाली रे मुन्नी है ना, उसका पति भी ऐसा ही है। अरे उसका पति तो रोज कम कपड़े पहनने वाली नई नई लड़कियां लेके आता है। हाँ एकदम चमड़ी चोर। क्या ये भी मालूम है? अरे सुन ना, रख दिया फोन। इन लोगों को सब मालूम है। क्या करूंगी मैं, बेबो को फोन लगाती, मेरी बेबो। हेलो बेबो। हाँ माँ कैसी हो? अरे मैं मस्त हूँ, तू कैसी है बेटी? हाँ, मैं ठीक हूँ। बताइए फोन क्यों किया? अरे मुझे टिशु के बारे में बताना था। टिशु के बारे में बताना? क्या हुआ? अरे शादी के पहले उसके लफड़े थे। क्या? और अभी भी लफड़े चालू है। शादी के पहले उनके लफड़े थे और ये आप अभी मुझे बता रही हो? अरे पगली मुझे अभी खबर मिली। अच्छा तू सावधान रहना। हाँ माँ एक काम करती हूँ, टिशु का ना एक सिम कार्ड मेरे पास पड़ा है, मैं उसे चेक करती हूँ। हाँ और अगर उनके कुछ लफड़े निकल पड़े ना, देखना उनकी कोई खैर नहीं। मुझे बहुत चिंता सता रही, तू एकदम भोली वाली है ना। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारी बेबो नाम है मेरा। ये हुई ना बात। हाँ मेरी लाडली रखो। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस। शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, ना खाए वो भी पछताए। क्यों? मुझसे शादी करके पछता रहे हुआ? नहीं नहीं बेबो, किससे कहा तुमसे, मैं तो बहुत खुश हूँ डार्लिंग। झूठ मत बोलो। अरे क्या झूठ बोला, बताओ तो सही। मुझे सब पता चला है। क्या पता चला है? शादी के पहले ना आप लफड़े बाज थे। तुम्हें किसे पता चला? हाँ तुम्हें किसने बताया? क्यों आपको पता नहीं आपकी कितनी लड़कियों के साथ लफड़े थे? लफड़े और मेरे, मुझे लगता है तुम्हारे किसी में काम भरे हुए हैं। मुझे पता है आप ना लफड़े बाज थे। देखो मैं लफड़े बाज बिल्कुल नहीं था। अरे शादी से पहले मैं शरीफ था, आप उठाकर भी नहीं देखता था मैं। हाँ अच्छा तो क्या लड़की आपको देखती थी? आप बड़े चालू हो। अरे मैं कैसे चालू? अरे सुनो ना, तुम चालू हो। उनके साथ बात गुंजन बनाता गुंजने। अरे मैं चालू नहीं हूँ बेटा, बात समझने की कोशिश करो। सपने अच्छे देख रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें घर के कामों में व्यस्त रखा। हाँ हाँ मुझे पता है तुम चालू हो, लफड़े बाज हो। मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ? प्रूफ दिखाओ। दिखाओ दिखाओ। हाँ दिखा। ये देखो। हाँ रीना ऊपर से सिंबल भी है। और ये कौन? मोना। आई लव यू। अच्छा ये देखो तीसरी। क्या? अच्छा आज बाहर मिलोगी गार्डन में?
तुम्हारे लफड़े। अरे ये मेरा कार्ड नहीं है, मेरे दोस्त का कार्ड है। ये सब लफड़े उसके हैं। पागल कहीं की हाँ माँ। हाँ बोलो बेबो। तुम्हें जो खबर मिली है ना वो झूठ है। मेरा तुशु एकदम सीधा साधा है। शादी से पहले और आज भी वो किसी भी लड़के को और देखते भी नहीं है। क्या बोलती हो? हाँ इसलिए उनका ना चक्कर हो ही नहीं सकता। लाओ ना फोन दो। माता जी प्रणाम। नमस्ते। साक्षात दंडवत माता जी, मैंने आपकी बेटी को आज तक कोई भी चीज कम पड़ने नहीं दी। सुबह से लेके रात तक मैं काम करता हूँ। सुबह जल्दी मैं उठता हूँ, दूध मैं गर्म करता हूँ, चाय वो पीती है, नहाती वो है, कपड़े मैं धोता हूँ, घर पोछा मैं करता हूँ, बर्तन मैं मारता हूँ। ऐसे किया करो। दिन रात मैं काम करता हूँ। अरे लफड़े करने के लिए टाइम है किसके पास? ओह माय गॉड, आपकी बेटी ने मुझे पालतू कुत्ता बना के रखा है। क्या बात कर रहे हो? माँ जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ जी मेरे संसार में आग मत लगाओ। क्या बात कर रहे हो? बेबे को काम आप भर रही हो। ए माँ जी हमारे में झगड़ा मत लगाओ। ए मैं झगड़ा नहीं लगाती। आपकी वजह से बेबे मेरे से बात तक नहीं कर रही है। मेरे पे शक कर रही है। अच्छा किया। हाँ अच्छा किया। लो माता हाँ बोल लो। हाँ माँ। बोलो। अब तक नाराज हो? अरे नहीं यार नाराज क्यों रहूंगा, बोलो तो सही। तुम उसे प्यार करते हो ना? हाँ जरूर करता हूँ डियर। बोलो तो। अच्छा बता मुझे जो चाहिए वो आप दोगे? अरे जरूर दूंगा। पक्का? पक्का। अरे डार्लिंग तो आकाश के चांद तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में मैं ला कर रख सकता हूँ। सच्ची मुच्ची? सच्ची मुच्ची। पक्का दोगे? पक्का दूंगा। पक्का? पक्का। अरे मेरी दिमाग की माँ बहन मत कर, जो चाहिए वो जल्दी संभाल। ऐसी कौन सी चीज है जो आप देखते हो लेकिन घर ला नहीं सकते? तीसरे वाले की शीला। क्या? आओ।